So welcome back everybody, and this is lecture number 5. We are doing wave on string. ठीक है, चार lecture already हो चुके हैं. This is lecture number 5. किसका? Wave on string. अच्छा, previous lecture में हमने क्या किया था, थोड़ा सा फटाक से recall करते हैं. Previous class में हमने पार्टिकल, बेसिकली जब हम सिंपल हार्मोनिक वेव को जनरेट करते हैं तो उसके जो उसके रिगार्डिंग जो मीडियम पार्टिकल होता है उसका वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन हमने देखा था डिफरेंट पोजीशंस पे, इंक्लूडिंग इक्विलिब्रियम और एक्सट्रीम पोजीशंस. वेव पे हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये दोनों पॉइंट मैंने डिफाइन करके बताया था आप सबको. साथ ही साथ हमने कुछ बढ़िया बढ़िया एक्सप्रेशन देखे थे किसका वेलोसिटी निकालने का, प्लस एज वेल एज हमने स्लोप के साथ भी रिलेशन देखा था. तो प्रीवियस क्लास में ये सारी बातें हो चुकी हैं. ठीक, इस लेक्चर में थोड़ा सा हम और स्ट्रिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे, और आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली शुरू होता है एक ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी. मतलब एक वायर है लेट्स से, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग, मैं इसको ऐसे समझो क्योंकि वेव ऑन स्ट्रिंग है, मतलब कि अब मैं एक सिंपल जनरलाइज तरीका बताऊं एक वेव को जनरेट करने का, तो हम यही कर सकते हैं कि हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग ली, हमने इस स्ट्रिंग को ऐसे अटैच कर दिया और फिर इस एंड को पकड़ के ऐसे ऊपर और नीचे SHM कराने लगे, बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो ये क्या होगी, ये स्ट्रिंग ऐसे एक वेव का फॉर्म करेगी कि नहीं करेगी, करके देखा है सब लोग ने. तो हमने बेसिकली एक इसी को जनरलाइज स्ट्रक्चर बना लिया था वेव का, कि हमारा वेव है तो बेसिकली एक साइनोसोडल फॉर्म ऐसे, मतलब साइनोसोडल फंक्शन होता है जो कि साइन का फंक्शन की तरह क्या करता है, फॉर्म करता है. कब? जब हम उसके स्ट्रिंग के एक एंड को पकड़ कर ऊपर नीचे करते हैं. तो बेसिकली हमने स्ट्रिंग के साथ ये चीज़ देखी थी. अब इसी में हम वही ट्रांसवर्स वेलोसिटी की बात करेंगे. आज का टॉपिक शुरू होता है वो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कि वेलोसिटी क्या होता है ये समझाऊंगा मैं, बट नोट करिए, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग. ट्रांसवर्स वेव मतलब ऐसी वाली वेव, इसकी वेलोसिटी अगर मैं निकालना चाहूं, मतलब बेसिकली एक स्ट्रिंग की, एक स्ट्रिंग जो कि एक वेब का स्ट्रक्चर ले रहा है ना, बेसिकली एक स्ट्रिंग है, एक धागा है जिसको, जो एक वेब का स्ट्रक्चर बना रहा है, तो उस स्ट्रिंग की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेब इन स्ट्रिंग, ठीक है, जो स्ट्रिंग के वजह से जो ट्रांसवर्स वेब जनरेट होती है बेसिकली उसकी वेलोसिटी की बात कर रहा है. ठीक है, आज मैं थोड़ा थका हुआ हूँ तो मेरी एनर्जी पे आप मत जाइए, आप अपने आप को एनर्जाइज रखिए. ठीक है, ठीक, इसको ट्रांसवर्स वेलोसिटी भी आप कह सकते हो. ये जनरेट कैसे होगा एक बार मैं आपको बता देता हूँ. लेट्स से मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग को ऐसे फिक्स कर दी, अब इस स्ट्रिंग के इस वाले एंड को पकड़ के मैं टू एंड फ्रो मोशन ऊपर और नीचे कराने लगा, तो ये स्ट्रिंग जो होगी बेसिकली एक वेव को फॉर्म करेगी, और इसी वेव की जो वेलोसिटी होगी उसको मैंने बोला कि वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग. ठीक है, अब इसमें कुछ ज़्यादा जानने वाली बात नहीं है, आप डायरेक्टली इसको याद रख ले हो, याद रख सकते हो कि जो ये वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट टेंशन प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग अपॉन मास डेंसिटी. इसको आप लिख लो लीनियर, सॉरी मास डेंसिटी मत लिखिए, इसको लिख लीजिए लीनियर डेंसिटी ऑफ मास. अब ये क्या है सर? देखो बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ जानने वाली है नहीं. बात क्या है, इसमें सिर्फ आपको एक बढ़िया सा फॉर्मूला याद रखना है. कब? जब आपके स्ट्रिंग में टेंशन शब्द, लेट्स से आपका कोई क्वेश्चन पूछ दिया गया स्ट्रिंग के रिगार्डिंग जिसमें टेंशन शब्द का इस्तेमाल हुआ हो और आपसे वेलोसिटी पूछी जाए, तो आप बेसिकली सिंपल से इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे. ये फॉर्मूले को अगर मैं बेसिकली सिंबल्स में तो मैं लिख सकता हूँ, लेट्स से वी इज द वेलोसिटी, वी डब्ल्यू इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, दैट विल बी अंडर रूट टी अपॉन म्यू. ये फॉर्मूला है किसकी, ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी, एक स्ट्रिंग में प्रोड्यूस की हुई ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी को निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट टेंशन अपॉन लीनियर डेंसिटी ऑफ मास. बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कहाँ से आया क्यों आया, नहीं जानना है, आप बेसिकली एग्जाम रिलेटेड कंटेंट पढ़ रहे हो, तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए फॉर्मूला एक, कि जब भी किसी भी स्ट्रिंग में क्या होगा, जब हम किसी स्ट्रिंग को एक वेव का शेप देते हैं तो उस स्ट्रिंग में क्या होगा, सोच के देखो ना, जब स्ट्रिंग को आप ऐसे सोच के देखो ना, किसी स्ट्रिंग को आप ऐसे पकड़ के और ऊपर नीचे क्या कर रहे हो,
उसको टू एंड फ्रो मोशन, मतलब ऐसे ऐसे हम कर रहे होते हैं, वेव जनरेट होगी। अच्छा वेव जनरेट होगी तो सोच के देखो ना, ये स्ट्रिंग जब टॉप मोस्ट पे जाएगी तो स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ टेंशन होगा, फिर से वो स्ट्रिंग आएगी, फिर रिलीज होगा टेंशन, फिर टेंशन प्रोड्यूस होगा, फिर रिलीज होगा। तो स्ट्रिंग में कंटिन्यूअस क्या होगा, एक टेंशन प्रोड्यूस होगा जब आप किसी स्ट्रिंग को ऊपर नीचे करोगे। ऑब्वियसली बात है सर, टेंशन क्या होती है, रस्सी रस्सी का तनाव बेसिकली, है ना। तो टेंशन प्रोड्यूस होगी स्ट्रिंग के अंदर, तो उसी टेंशन को अगर आप लीनियर डेंसिटी ऑफ मास से डिवाइड कर देते हो। ये मास क्या है, देखो जो भी आपकी स्ट्रिंग है, लेट्स से इस स्ट्रिंग की लेंथ मान लो एल हो गई, और इस स्ट्रिंग का कुछ ना कुछ मास भी तो होगा। तो लीनियर डेंसिटी का मतलब क्या पता है? अच्छा नॉर्मल डेंसिटी का मतलब क्या होता है, रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, है कि नहीं। अब सोच के देखो ना, हमारे पास एक धागा है तो उसमें हम एक वॉल्यूम तो कंसिडर नहीं कर सकते, हम उसका एक लेंथ ही कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। तो वैसे ही जहां रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी होता है, ठीक है, ये बेसिकली वॉल्यूम डेंसिटी कहा जाता है या फिर मास डेंसिटी कहा जाता है। वैसे अगर मैं लीनियर डेंसिटी डिफाइन कर दूं ऑफ मास, तो लीनियर डेंसिटी ऑफ मास क्या होगा, जिसको डिनोट करते हैं म्यू से। और ये होता है क्योंकि वॉल्यूम क्या है, थ्री डायमेंशनल है, लेकिन यहाँ जो स्ट्रिंग है बेसिकली वो क्या है, उसका एक ही डायमेंशन है, वो है लेंथ का। तो क्या मैं इसको मास पर यूनिट लेंथ कह दूँ? अब बिल्कुल कह दीजिए सर। तो ये जो लीनियर डेंसिटी ऑफ मास है बेसिकली म्यू है, ये जो म्यू होता है ये होता है मास ऑफ स्ट्रिंग अपॉन टोटल लेंथ, मतलब मास पर यूनिट लेंथ। म्यू क्या है नोट कर लीजिएगा साइड में, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, इसी को क्या कहते हैं, लीनियर डेंसिटी ऑफ मास। सो टी क्या है, टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग। जब स्ट्रिंग को आप ऊपर नीचे सिस्टम कराओगे तो जो टेंशन प्रोड्यूस होगा वो टी है, और म्यू क्या है, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। ठीक, टी क्या है, टी भी नोट करा लीजिए, टी है टेंशन प्रोड्यूस्ड ऑन दी स्ट्रिंग। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला था, इसमें कुछ जानने की जो रिक्वायरमेंट है नहीं ज़्यादा आपको, ठीक है। बस ये समझिएगा कि जब भी हम एक वेव जनरेट करते हैं स्ट्रिंग से, तो उसमें एक टेंशन प्रोड्यूस होता है क्योंकि स्ट्रिंग है वो, और अगर उसी टेंशन को अंडर रूट में, ये फॉर्मूला है डॉग डाइग आपको याद रखना है, अंडर रूट टेंशन अपॉन लीनियर डेंसिटी ऑफ मास। लीनियर डेंसिटी ऑफ मास क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब टोटल मास कितना है, मतलब मास कितना है एक यूनिट लेंथ में। टोटल लेंथ है आपकी एल, मास है एम, टोटल मास अगर एम है तो एम स्मॉल एम अपॉन एल क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ, जिसको लीनियर डेंसिटी ऑफ मास कहते हैं। क्या ये चीज क्लियर हुई सबको? सिंपल है, कुछ बहुत बेसिक है, कुछ ज्यादा है ऐसा कुछ है नहीं अलग सा, है ना। अब मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग वीडियो, डोंट वरी। ठीक, एक चीज और बता दूंगा मैं आपको, ठीक है, मैं अनाउंसमेंट में वो कर दूंगा बात, बट अभी बताओ समझ आएगी नहीं, ठीक है, पहले फोकस करते पढ़ने पे। तो समझ आया? सबको समझ आया? वो बेसिक सी चीज थी, इसमें कुछ है नहीं अलग सा, है ना, बताओ। इस तरह के सवाल अक्सर दिखेंगे आपको, स्ट्रिंग इसका एक्सटेंशन दे देगा, ठीक है, और यही मास और लेंथ दे देगा, और आपसे वेलोसिटी पूछेगा। तो आप डायरेक्टली जब भी टेंशन शब्द देखो तो वेव के अंदर, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए, दैट इज अंडर रूट टी अपॉन म्यू, ठीक है। अच्छा अब इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट से केसेस हम देखेंगे, कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसमें कैसे कैसे टाइप के पूछे जा सकते हैं वो हम देखेंगे। क्या, अब देखो लेट्स से कुछ केसेस देखते हैं, ठीक है। केस नंबर वन, केस नंबर वन कौन सा है, इफ टेंशन इन द स्ट्रिंग, इफ टेंशन प्रोड्यूस्ड, अरे शिट, इफ टेंशन प्रोड्यूस, यहां लिख देता हूं, ठीक है, यहां इन द स्ट्रिंग इज यूनिफॉर्म। अब ये क्या फंडा है सर, सोच के देखो। पहला केस ये हो सकता है, कैसे, मान लो हमारे पास ये क्या है, एक ऐसे फिक्स फिक्स पोजीशन है जिससे हमने एक स्ट्रिंग लटका रखी है, ठीक है, ठीक। अच्छा सोच के देखो, अगर मैं इससे एक मास लटकाता था, लेट्स से एम मास था, मैं कहूँ जरा टेंशन फोर्स कैलकुलेट करो, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो आप सिंपल है क्या करते थे, नीचे सर एम जी लेते थे, और क्योंकि ऊपर एक टेंशन लगा हुआ है टी लेते थे, तो हम सीधा क्या करते थे, टी बराबर एम जी कर देते थे, है ना। अच्छा अभी तक जो मैक्सिमम हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसमें क्या था, हमने ये बताया था कि अगर स्ट्रिंग सेम रहती है तो टेंशन नहीं बदलता। इसका मतलब ये है कि जो टेंशन इस पॉइंट पे होगा वही टेंशन इस पॉइंट पे भी होगा, वही टेंशन इस पॉइंट पे भी होगा, वही टेंशन इस पॉइंट पे भी होगा। सोच के देखो, है कि नहीं, है कि नहीं, क्योंकि इस पॉइंट से टेंशन इधर लगता है ना, हमेशा जिस पॉइंट
पे हमको टेंशन निकालना है, उससे अवे डायरेक्शन हम देते हैं टेंशन की। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें क्या था, अगर टेंशन प्रोड्यूस स्ट्रिंग में है, यूनिफॉर्म है, तो आप सीधे डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कौन सा, म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी, सॉरी म्यू क्या कह रहा हूँ, भी है ना, वेलोसिटी निकालने के लिए। तो अगर आपकी टेंशन सेम है पूरी स्ट्रिंग में, है ना, जो कि अभी हम मान के चलते हैं, टेंशन सेम है पूरी स्ट्रिंग में जो कि हम मान के चलते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो वेलोसिटी अगर आप लिखेंगे वही ट्रांसवर्स वेव वाली जो पीछे हमने लिखी थी, बिल्कुल वही होगा, कौन सा, अंडर रूट टी अपॉन म्यू, उसमें कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब इस केस में पर्टिकुलर जब हम पढ़ रहे हैं अभी, तो इस केस में एक बढ़िया सा सवाल पूछा जाता है अलग से, ठीक है। वैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपको टेंशन जो है वो यूनिफॉर्म ही मिलेगा, तो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन तो इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि मैं कुछ अलग सा हटके पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको केस टू भी कराऊंगा आज, जिसमें अगर मान लो कि जो स्ट्रिंग है बेसिकली उसका टेंशन अगर अलग अलग हो जाए तो क्या करेंगे सर। जैसे अगर वही एग्जाम्पल मैं ले लूँ, मान लो, ठीक है, अब अगर, अच्छा इस केस में एक और चीज़ ये जान लो क्या, कि अगर मान लो टेंशन सारी स्ट्रिंग में सेम हो गई, सोच के देखो क्या, क्योंकि टेंशन यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, मतलब कि टेंशन जो प्रोड्यूस है स्ट्रिंग में वो यूनिफॉर्म है, मतलब टेंशन बदल नहीं रही है, डिस्टेंस के हिसाब से, पॉइंट के हिसाब से टेंशन बदल नहीं रही है, मतलब इतने लेंथ में सेम टेंशन, इतने लेंथ में भी सेम टेंशन, इतने लेंथ में भी सेम टेंशन, इतने लेंथ में भी सेम टेंशन, मतलब पूरी लेंथ अगर मैं डिवाइड भी कर दूं तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम है स्ट्रिंग के अंदर। अब इस केस में सोच के देखो फॉर्मूला क्या है, वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाई म्यू। अगर टेंशन कांस्टेंट हो गया तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि म्यू तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, म्यू तो फिक्स्ड है, मास पर यूनिट लेंथ इसका है कि नहीं, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो मैं इस केस में कह सकता हूं कि अगर टेंशन यूनिफॉर्म है स्ट्रिंग के अंदर, तो क्या इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, सोच के देखो। हाँ बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, क्यों वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, क्योंकि टेंशन कांस्टेंट हो गया, है कि नहीं, बिल्कुल यार, अगर वेलोसिटी टेंशन कांस्टेंट हो गई तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गया, मैंने बोला ना कि स्ट्रिंग में यूनिफॉर्म है टेंशन, मतलब टेंशन कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई सीधी, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो। अच्छा इस केस में अब हम अलग से निकालेंगे, अब देखा, अब मान लो दूसरा केस हमने दे दिया, जिस केस में हमने क्या बोला कि मास तो लटका हुआ है, लेकिन अब मान लो मैं तुमसे कह दूं कि इस पॉइंट पे, मतलब यहां से यहां, लेट्स से टोटल लेंथ मान लो स्ट्रिंग की एल है, तो लेट्स से एक्स लेंथ में कुछ और टेंशन है, और इसके ऊपर अगर हम कोई एक और पॉइंट डिफाइन करते तो यहाँ कुछ और टेंशन है, मतलब इस बार टेंशन जो कंसिडर करेंगे हम क्या करेंगे, मान लो अगर वो नॉन यूनिफॉर्म हो, जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म हो, तो सर हम वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम आया है ना, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम आया कि अगर हम मान लीजिए लेंथ वाइज टेंशन वेरी करने लगे, मान लो टोटल मास का स्ट्रिंग एम है, टोटल लेंथ है एल, लेकिन टेंशन भी क्या हो, वेरिएबल हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म का तो चलो ठीक है डायरेक्टली हम लगा देंगे, समझ में आ गया एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, लेकिन इस केस में हम कैसे पता करेंगे सर, ये हमारे पास आया प्रॉब्लम, तो ये अब हमको देखना है, ठीक है, कि नेक्स्ट केस, केस नंबर टू यही है हमारा, जिसमें टेंशन जो हो वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, टेंशन इज नॉन यूनिफॉर्म, अच्छा लिख देता हूँ, टेंशन प्रोड्यूसेस नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्ट्रिंग, टेंशन प्रोड्यूस्ड इज नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्ट्रिंग, ठीक है, दिस इज केस नंबर टू। आइए आइए मेरे साथ, ठीक है, दिस इज केस नंबर टू, ये मजेदार सा केस है, ये कई बार पूछता है इसीलिए आपसे करा रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस तो आपको नॉन यूनिफॉर्म वाले मिल जाएंगे, कभी अलग से क्वेश्चन आएगा तो इससे आ सकता है, इसलिए मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको कराता हूँ, तो मेरी याद आता है, ठीक है, चलिए ठीक। अच्छा सोच के देखो क्या, एक केस कंसिडर करो क्या, मैंने एक पोजिशन ली जिससे एक टेंशन को फिक्स कर दिया, एक रस्सी को ऐसे फिक्स कर दिया लटका के, है ना, अभी इससे मैंने कोई मास नहीं लटकाया, ठीक है, ठीक है, मान लो कि इस ये जो रस्सी है इसका मास अगर मान लो m है, मास ऑफ स्ट्रिंग कितना है, दैट इज m, ठीक है, m कैपिटल m, ठीक है। अब सोच के देखो, मैं इस जगह पूछूंगा, अगर लेट्स से सबसे नीचे वाले पॉइंट पे, तो मैं तुमसे पूछूंगा टेंशन कितना है, ठीक है, सबसे एंड वाले पॉइंट पे टेंशन कितना है,
और इस टॉप मोस्ट वाले पॉइंट पे टेंशन कितना है। तो सोच के देखो, अगर टोटल लेंथ मान लो एल है, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि मास पर यूनिट लेंथ डिफाइन करो, तो अगर मैं सबसे एंड पॉइंट पर कहता हूँ तो यहाँ एल की वैल्यू क्या है, जीरो है ऑलमोस्ट, और यहाँ एल की वैल्यू क्या है, पूरी मैक्सिमम है टोटल लेंथ में। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस वाले पॉइंट पे सर जो टेंशन लगेगा है ना, वो बहुत ही स्मॉल होगा, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होगा, जीरो के बराबर होगा। मैं तुमसे पूछू ये बताओ कि अगर इस पॉइंट पे पूछू, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो कि जुड़ा हुआ है उससे, तो आप क्या कहोगे, सर टोटल लेंथ यहां से यहां तक की एल हो गई और टोटल मास एम हो गया, तो अब मास भी आ गया इसका और लेंथ भी आ गया इसका, मतलब कि ये वाला पॉइंट अगर मैं देखूं जो कि जुड़ा हुआ है सीधे फिक्स है पोजीशन से, इसमें जो टेंशन होगा सर, यहां टेंशन मैक्सिमम होगा, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर मैं टेंशन देख रहा हूं जो पोजीशन फिक्स है, उसमें पूरा मास भी आ रहा है और टोटल लेंथ भी आ रहा है, तो इसमें जो टेंशन प्रोड्यूस होगा सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे, वो सर बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम होगा। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो था यहाँ, यहाँ टेंशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत स्मॉल, ऑलमोस्ट जीरो, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ने लगे टेंशन चेंज होने लगी, और हमने कहा कि टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचते पूरे टेंशन हो गया मैक्सिमम, मतलब अब जो टेंशन है बेसिकली वो नॉन यूनिफॉर्म है सर, टेंशन नीचे से ऊपर जाने में बढ़ रही है स्ट्रिंग में, जैसे जैसे आप लेंथ को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे मास पर यूनिट लेंथ बढ़ रहा है, और जब मास पर यूनिट लेंथ बढ़ रहा है तो टेंशन भी बढ़ रही है, यानी इस बार सर कुछ कांस्टेंट होने वाला है नहीं, इसमें अलग से हमको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, और अगर मैं एक्सेलरेशन पूछूं तो वो भी अलग से निकालना पड़ेगा। कौन क्या क्या निकलवाऊंगा मैं आगे बता देता हूँ, अभी चिंता ना करो। ठीक है, ठीक है, तो मान लो लेट्स से टोटल लेंथ एल है, ठीक। अच्छा, अब मैं तुमसे कहूँ कि मान लो यहाँ से, ठीक, इससे मान लो एक्स डैश ऊपर, यहाँ से लेट्स से टोटल लेंथ एल है, लेकिन नीचे वाले पॉइंट से लेट्स से एक्स एक्स लेंथ ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसमें ये सोच के देखो, मैं एक चीज और पहले तुमको करा देता हूँ, क्या मान लो, थोड़ा इसको इस चीज को एनालाइज करना, मान लो कि टोटल मास है तुम्हारा एम है ना, टोटल लेंथ है एल। अब मैं तुमसे पूछूं कि एकदम इसके बीचों बीच टेंशन बताओ, क्यों, क्योंकि सबसे नीचे टेंशन तुम्हारा ऑलमोस्ट जीरो, सबसे ऊपर टेंशन तुम्हारा मैक्सिमम, तो अगर तुमसे कहूं कि एकदम इसके बीचों बीच, एकदम इसके सेंटर पे टोटल मास अगर एम है, मैं तुमसे पूछूं कि एकदम इसके सेंटर पे टेंशन बताओ, एकदम बीच पर, रस्सी के बीच में कितना टेंशन प्रोड्यूस होगा, तो हमको ये तो पता है कि सर टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी। अब सोच के देखो, जैसे नीचे से ऊपर जा रहा है, मास बढ़ रहा है, अब मैं एकदम तुमसे टेंशन के बीचों बीच पूछूंगा, तो क्या इसके बीचों बीच जो मास होगा टेंशन का, क्या वो एम बाई टू के बराबर होगा, अगर टोटल मास एम है तो। सोच के देखो, आधा मास इसके नीचे डिवाइडेड है, आधा मास इसके ऊपर डिवाइडेड है कि नहीं। सोच के देखो, अगर मैं कहूं कि टोटल मास मान लो एम है, तो अगर मैं उसके एकदम बीचों बीच पूछूंगा टेंशन तुमसे, एकदम उसके सेंटर पे स्ट्रिंग के, तो तुम साफ साफ कह सकते हो क्या, सर टोटल मास एम है, अगर उसके आप सेंटर पे पूछ रहे हो लेंथ के अकॉर्डिंग, तो एम बाई टू हो जाएगा उसका मास। यानी अगर मैं मिडिल में टेंशन पूछूं, टेंशन एट मिड, तो वो कितना हो जाएगा, एम जी फॉर्मूला होता है, तो क्या मैं इसको कैपिटल एम बाई टू इंटू जी लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, आधी हो जाएगी टेंशन, बिल्कुल एकदम सेंटर पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी टेंशन। वैसे ही अगर मैं तुमसे पूछूं कि मान लो कि इससे ये वाला पॉइंट लेट्स से एक्स डिस्टेंस था, इस एक्स डिस्टेंस में मुझे बताओ टेंशन कितना होगा, चलो तुमने मिडिल में तो बता दिया, एकदम बीचों बीच स्ट्रिंग तुमने बता दिया कि सर टेंशन कितना होगा, एम बाई टू इंटू जी। अब मैं तुमसे एकदम बीच बीच में पूछूं, तो एकदम मिडिल वाले में पूछूं, तो टेंशन कितना होगा, सोच के देखो। तो एक इक्वेशन लगाना है हमको, क्या क्या लगाना है, ये कि अगर टोटल मास कैपिटल एम है और टोटल लेंथ कैपिटल एल है, मतलब टोटल मास एम में टोटल लेंथ एल में टोटल मास एम है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक्स लेंथ में कितना मास होगा, तो क्या मैं उसको स्मॉल मास एम डैश कह सकता हूं, लेट्स से यहां से एक्स एक्स लेंथ में जो मास होगा लेट्स से वो स्मॉल एम है, अब हमको यही मास निकालना है, क्यों, क्योंकि टेंशन के फॉर्मूले में मास इनटू ग्रेविटी होती है, तो अगर आपको मास पता चल जाए सर कि यहां से यहां जो एक्स लेंथ है, इस एक्स लेंथ में कितना मास है, तो हम इजिली टेंशन के फॉर्मूले में मास की जगह पुट कर देंगे, जी तो वैसे ही कॉन्स्टेंट रहता है वैल्यू। तो एक इक्वेशन सोच के देखो, क्या अगर कैपिटल टोटल लेंथ एल है, तो टोटल लेंथ एल में अगर कैपिटल एम मास है, तो मैं कह नहीं सकता हूं कि एक्स लेंथ में स्मॉल एम मास होगा, है कि नहीं, कह सकते हैं सर, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। सोच के देखो ना, अपने सोच के देखो इस चीज को, अगर टोटल लेंथ मान लो एल है, ठीक है, जो कि कैपिटल एल नहीं, इस केस में स्मॉल एल लिया तो स्मॉल एल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, अगर मान लो टोटल लेंथ स्मॉल एल है, उसमें कैपिटल एम मास है, तो मैं एक्स लेंथ में एम मास नहीं मान सकता हूँ, लेट्स कंसिडर कि एक्स लेंथ में जो मास होगा वो स्मॉल एम होगा, अब यहां से अगर मैं स्मॉल एम निकालने जाऊं, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि
टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इंटू एक्स। हाँ बिल्कुल। तो अगर मैं इस पॉइंट पे तुमसे टेंशन पूछूं, तो इस पॉइंट पे जो टेंशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से वैल्यूज पुट कर दीजिए। टेंशन क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। अब टेंशन इक्वल्स टू मास, तो यहाँ दिखा हुआ है क्या, एम अपॉन एल, मतलब एम अपॉन एल इंटू एक्स इंटू जी। हाँ बिल्कुल सर। और अभी अभी हमने पढ़ा है क्या कि म्यू जो होता है वो होता है टोटल मास पर यूनिट लेंथ। आय हाय हाय, मतलब इसमें टेंशन में टोटल एम अपॉन एल को क्या लिख सकता हूँ, म्यू इंटू एक्स इंटू जी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आप ऐसे किसी भी पॉइंट पर टेंशन डिटरमाइन करेंगे। सो दिस विल बी योर टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग। यही है फाइनल एक्सप्रेशन टेंशन का, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक। अब सिंस जो म्यू है वो क्या है, कैपिटल एम अपॉन एल है, तो इसको देखिए इस जगह को, और फिर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो टेंशन आई वो आई म्यू इंटू एक्स इंटू जी। सो दिस विल बी योर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द टेंशन। तो अगर टेंशन नॉन यूनिफॉर्म हो तो कोई भी पॉइंट दिया हो, हम क्या करेंगे उस पॉइंट को कंसिडर विल बी एक्स। मान लो लेट्स से एक्स पॉइंट, एक्स डिस्टेंस पर हमको टेंशन निकालनी हो, वो दिया होगा कि मान लो टोटल लेंथ 2 मीटर है, तो लेट्स से 0.6 मीटर पे कितना टेंशन होगा वो निकालो। तो आप एक्स को 0.6 कंसिडर कर देना, म्यू आप निकाल सकते हो, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, और वहां आप टेंशन निकाल सकते हो। तो टेंशन एट एनी पॉइंट विल बी गिवन एज, लिख लिया जाए, टेंशन एट एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग विल बी गिवन बाई टी इज इक्वल्स टू म्यू इन टू एक्स इन टू जी। जहाँ एक्स क्या है, वही एक्स डिस्टेंस है, जितने डिस्टेंस पे लेंथ की वो डिस्टेंस, जिस पे बेसिकली उतना लेंथ जितने लेंथ में हमसे टेंशन पूछी गई है। ठीक है। अच्छा अब सर मान लीजिए अगर कोई कहे कि चलो इस केस में वेलोसिटी भी निकलवा दो, जब नॉन यूनिफॉर्म टेंशन हो तो वेलोसिटी कितनी होगी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो अब तो टेंशन आ गया तो सर वेलोसिटी तो आ ही जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, अंडर रूट टी अपॉन म्यू। बोलो होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर, कोई परेशानी नहीं। और तो जब ये होता है तो आइए मेरे साथ वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या? तो जो वी डब्ल्यू होगा दैट विल बी अंडर रूट, टेंशन कितना आया, म्यू इंटू एक्स इंटू जी अपॉन म्यू। अब सोच के देखो क्या म्यू से म्यू कट गया, कट गया। टेंशन की वैल्यू पुट कर दो ना यहाँ जो हमने निकाला है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी आ गई, अंडर रूट एक्स इंटू जी। यही इंपॉर्टेंट फंडा है आपको समझाने का, मेरा यही इंपॉर्टेंट फंडा है। बताओ क्या ये चीज क्लियर है सबको कि जब नॉन यूनिफॉर्म टेंशन हो, जब टेंशन जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो, तो उस पर्टिकुलर केस में हम कैसे वेलोसिटी को डिटरमाइन करेंगे? बोलो फटाफट से, कई चीज क्लियर है सबको? जो वेलोसिटी आई वो अंडर रूट एक्स इंटू जी कैसे आई? मैं आज थोड़ा थका हुआ हूँ तो मेरी एनर्जी पे ना जाना, बट बताओ जल्दी से क्या ये चीज समझ आई सबको कि जो टेंशन और जो वेलोसिटी निकाली हमने वो कैसे आई? फटाफट से रिस्पॉन्स सब लोग दे दो यार, ये मुझे पता चल जाएगी समझ आ गया सबको, है ना? ठीक। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ओके ओके चलो। अच्छा तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इधर आपने एक्सेलरेशन बताया कि एक्सेलरेशन 0 है, क्यों? क्योंकि टेंशन कांस्टेंट था। सर लगे हाथ इसमें भी एक्सेलरेशन निकलवा दो ना, इसमें भी तो पूछ सकता है कि एक्सेलरेशन जो है वो निकालो, है कि नहीं? बिल्कुल। तो अब एक्सेलरेशन डिफाइन करेंगे। अच्छा एक्सेलरेशन क्या होता है? अच्छा वेलोसिटी हमारे पास है, सोच के देखो हमारे पास वेलोसिटी है, क्या हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं वेलोसिटी से? हाँ बिल्कुल। पढ़ा है हमने क्या, ए इज इक्वल टू क्या होता है, डीवी बाई डी टी। बोलो होता है कि नहीं होता है? सिंपल है, हमने वेलोसिटी तो निकाल ली है, बस क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है कि नहीं? जल्दी बताओ, सबने पढ़ा है?
फटाफट से ये बता, पहले मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी बाई डी टी। एक्सेलरेशन क्या होता है? डी बाई डी टी होता है। तो हमारे पास वेलोसिटी है कितनी, वेलोसिटी अभी हमने निकाली, कितनी निकाली वेलोसिटी, ये वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट एक्स इंटू जी। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? सिंपली अगर मैं क्या करूं, इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दूं, तो पढ़ा है सबने, पहले बताओ सब लोग पढ़ा है सबने, सबने पढ़ा है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी बी बाई डी टी, पढ़ा है। हाँ फटाफट से, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली इस एक्सेलरेशन में क्या करूंगा, ए इज इक्वल्स टू डी डी बाई डी टी, और वेलोसिटी हमारी कितनी थी, अंडर रूट एक्स इंटू जी। नाउ आई विल सिंपली डिफरेंशिएट, ठीक है। और सर डिफरेंशिएट जल्दी बताओ कितना आंसर आ रहा है, सब लोग फटाफट से डिफरेंशिएट करके सब लोग बताओ जल्दी से कितना आ रहा है फटाफट से। और यहाँ मूर्खों की फौज की कमी नहीं है, ये तो मैंने अभी भी देख लिया क्लास के अंदर, है ना। अरे मूर्खो, अरे गधो, जब यहाँ वेलोसिटी टाइम का फंक्शन नहीं है, तो मैं एक्सेलरेशन ऐसे कैसे निकाल सकता हूँ, धड़ल्ले से सब हाँ बोले जा रहे हैं, सब के सब धड़ल्ले से हाँ बोले जा रहे हैं। अरे गधो, जब वेलोसिटी में कोई टाइम का फंक्शन नहीं है, वेलोसिटी तुम्हारा डिस्टेंस का फंक्शन है, तो एक्सेलरेशन हम डी बाई डी टी करके कैसे निकालेंगे, सब हाँ यस 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 बोले जा रहे हैं। तो सर कैसे निकालेंगे, ये तो समस्या है भाई, जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन नहीं है तो एक्सेलरेशन कैसे निकाले, और कोई तरीका है नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर मान लीजिए वेलोसिटी आपकी बदल रही है, अगर कॉन्सेंट्रेटिव वेलोसिटी एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होता अगर आपका, तो आप सिंपली इक्वेशन यूज कर लेते, वी इक्वल यू प्लस ए टी, बट यहाँ तो चेंज हो रहा होगा क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है, तो सर कैसे निकाले। तो कहते हो पढ़ा होगा एक और फॉर्मूला, कौन सा, अरे वी डी वी बाई डी एक्स। अरे एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले पढ़े थे भाई काइनेमेटिक्स में, एक होता है डी वी बाई डी टी, जो कि आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बताता है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, बट अगर डिस्टेंस के हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रही हो, सो एक और फॉर्मूला पढ़ा है, बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जो है वी इंटू डी बाई डी एक्स। मैं जानता था यहाँ सब फंसोगे, और सब हाँ में हाँ बोले जा रहे थे, एक का देख के पीछे पीछे सब भेड़ बकरी की तरह, हाँ सर यस सर यस सर यस सर, है गधो। सेकेंड नंबर फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम, क्यों सर क्यों क्यों इस्तेमाल करेंगे सेकेंड नंबर वाले फॉर्मूले का, सोचो क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जो आपकी वेलोसिटी है वो डिस्टेंस का फंक्शन है, एक्स आ रहा है वेलोसिटी में। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे, वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो एक्सेलरेशन होगा, वी की जगह क्या पुट करेंगे हम, वी की जगह हम पुट करेंगे अंडर रूट एक्स इंटू जी, और डी को डिफरेंशिएट करेंगे किसको, अंडर रूट एक्स इंटू जी अपॉन डी एक्स। अब जब डिफरेंशिएट आप करोगे तो इसको क्या करोगे, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट वन अपॉन कितना होता है, वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स। तो मैं सीधा करता हूँ, सिंस डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स होता है वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो अंडर रूट एक्स इंटू जी को वैसे ही रहने दो, और यहाँ क्या होगा, वन बाई टू अंडर रूट एक्स इंटू जी, और एक बार अंदर का डिफरेंशिएशन फिर से होगा, सो दिस विल बी रूट जी। अब सोच के देखो, अंडर रूट एक्स इंटू जी, अंडर रूट एक्स इंटू जी तो कट जाएगी वैल्यू, अंडर रूट एक्स इंटू जी और अंडर रूट एक्स इंटू जी कट जाएगी, यानी रूट जी बाई, अच्छा एक और चीज है यहाँ, एक चीज और याद रखना, देखो एक सेकेंड, डी वी बाई डी एक्स है ना, तो वी है तुम्हारा एक्स और ये तुम्हारा जी, मतलब अंडर रूट जी, और अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स रूट जी टाइम्स, मतलब एक्सेलरेशन हो गया तुम्हारा, यहाँ से काट दो इसको, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इंटू जी, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा अंडर रूट जी अपॉन टू, रूट जी बाई टू, ये आया आपका एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। डिफरेंशिएट कैसे किया है, चेन रूल का इस्तेमाल करके किया है, सोच के देखना, जी विल टेकन एज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है,
अच्छा नहीं, एक काम करो, इसमें इस अंडर रूट जी को एक काम करो, इसमें बाहर कर दो, अंडर रूट एफ का डिफरेंशियल एक बार और कर दो, ठीक है? क्योंकि मैंने यहाँ पार्शियल डिफरेंशियल लगा दिया, वहाँ पार्शियल नहीं हुआ ना, यहाँ तो ऑर्डिनरी है ना, तो एक काम फिर से कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडर रूट एक्स इंटू जी, दिस विल बी 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू जी, और एक बार और अंदर का डिफरेंशिएशन होगा, सो जी विल ट्रीटेड एज अ कॉन्स्टेंट, तो इसको बाहर कर दो, और एक्स का डिफरेंशिएशन, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तुम्हारा 1/2 √x, मतलब इधर आएगा तुम्हारा कितना, 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू जी, और ये वाली वैल्यू मैं डायरेक्टली फाइनल एक्सप्रेशन अभी लिख देता हूँ, रुक जाओ, यहाँ तुम्हारा होगा जी, हाँ यहाँ जी बचेगा तुम्हारा, ठीक है? क्योंकि ये डिफरेंशिएट करूंगा जब रूट जी को बाहर, तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, 1/2 √x इनटू एक्स की पावर -1/2, हाँ ये इलेवन कट जाएगा, रूट जी से रूट जी, दिस विल बी जी बाई टू, नॉट अंडर रूट जी बाई टू, ठीक है? सो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं समझ आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ एक्सप्रेशन को खुद से करके। फाइनल एक्सप्रेशन जो आपका होगा, दिस विल बी एक्सेलरेशन ऑफ द स्ट्रिंग, और ये क्या होगा, दिस विल बी जी बाई टू, मतलब ग्रेविटी का हाफ, हाफ ऑफ द ग्रेविटी, हाफ ऑफ द ग्रेविटी। तो टेंशन या फिर पंगा अगर आपको लग रहा है कि एक्सेलरेशन निकालने में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना क्या है, चुपके से क्या करना है, देखो वेलोसिटी तुमने रख ली कितनी, अंडर रूट एक्स इनटू जी, तुम डायरेक्ट एक्सेलरेशन याद रख लो कि इस केस पे जब भी टेंशन नॉन यूनिफॉर्म होगा जी बाई टू होगा एक्सेलरेशन। अब ये तो सिंपल याद करने का फॉर्मूला, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है? यहाँ जी ऊपर बचेगा, अंडर रूट एक्स इनटू जी, अंडर रूट एक्स जी कट जाएगा, तो जी बाई टू एक्सेलरेशन बचेगा इसका, ठीक है? सो दिस दिस विल बी योर एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ दो फार्मूले आप याद रखिए, कौन सी, एक तो वेलोसिटी वाली भैया, ठीक है, 1/√x, तो 1/√x एक्स इंटू जी वाले से वो वाला पूरा टर्म कट जाएगा ना, मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, उसका चिंता मत करो, ठीक है, उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, ठीक? पहले तुम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर लो, और उसके बाद उस चीज को पुट कर दोगे तो भी तुमको सही लगेगा। जैसे अगर मैं डायरेक्टली, अगर देखो अगर मैं करने जाऊं तो मैं कर दूं, बोलो तो कर दूं वापस से, डायरेक्टली मैं लिख दिया है, देखो कुछ होगा नहीं, कुछ मत करना, पहले d/dx निकाल लो, ठीक है? इसको भी हटाई दो, तो जब d/dx करोगे तो अंडर रूट एक्स इंटू जी है, इसका क्या होगा, 1/2 अंडर रूट जी इंटू एक्स बचेगा, अब अंडर 1/2 अंडर रूट जी इंटू एक्स बचेगा, तो एक्स इंटू जी वाली पूरी वैल्यू, तो अंडर रूट एक्स कट जाएगा, रूट जी जी हो जाएगा तुम्हारा। अरे यार कर दूं तो बोलो, कर दूं कि डायरेक्टली याद रख लोगे, बताओ जल्दी से, कर दूं कि याद रख लोगे, टाइम वेस्ट होता है ना, इसीलिए डायरेक्टली किया है मैंने, कर दूं कि समझ आए कि जी बाई टू कैसे होगा। अरे तुम पहले d/dx निकाल लो, उसके बाद v से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी वो आसान है सबसे, उसमें समझ भी आ जाएगा, बोलो तो मैं कर दूं, मैं डायरेक्टली लिख दिया काट के, करना पड़ेगा या फिर कर लोगे, अरे बता दो यार, मैं करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लोगे ना, कर लोगे कि मैं कर दूं कि कैसे आया g/2, g/2 आएगा, सिंपल है, ठीक है? अगर आप डायरेक्टली याद रखना हो तो भी याद रख लो, वैसे भी डेरिवेशन कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, मैं करा दिया जाए क्वेश्चन, बस कि यही अप्रोच आप फॉलो करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, ठीक है? चलो ये भी ठीक है, ठीक है? सो दिस इज अबाउट योर व्हाट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट केसेस थे जिससे कभी कभी आपसे सवाल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? इसलिए मैंने इसको भी साथ में करा दिया, ठीक? अच्छा, अब आज लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आज का, और उसमें इंपॉर्टेंट चीज आज के लिए यही है कि आज के बाद अब जो आगे बढ़ेंगे, अब हम इंटरफेरेंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिनिमा के जो भी इसमें देखते हैं, मैक्सिमम मिनिमा खैर इसमें नहीं होना चाहिए, बट एक बार इंटरफेरेंस में मैं देख लूंगा क्योंकि मैंने वहाँ जनरली वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाता हूँ वो भी, ठीक है? बट इंटरफेरेंस पर हम चलेंगे, उसके बाद हम और भी चीज़ें देखेंगे इसके अंदर, फिर ये खत्म हो जाएगा, साउंड वेव में ज़्यादा समय लगेगा, 2 से 3 लेक्चर साउंड वेव के लगेंगे, वो भी निपटा देंगे, ठीक है? फिर ये वेव क्लास 11 वाला पार्ट तो निपट जाएगा आपका, ठीक है? तो आइए मेरे साथ, अब हम चलते हैं थोड़ा सा किधर, अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होता है। ये अभी तक हमने वेलोसिटी सब कुछ देख लिया, ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन तक की पूरी बातें थी, टेंशन तक की पूरी बातें थी, बहुत कुछ हमने देखा है, कैसे हम शिफ्टिंग करते हैं वेव फॉर्म, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ हमने, ठीक है? हम बहुत ही बेसिक टू एडवांस आए इस पूरे चैप्टर में, सिंस लेक्चर 1 से, अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग, पूरी क्लैरिटी बनते जाएगी साथ में, ठीक है? तो आइए अब अपने नेक्स्ट सुहाने से सफर की तरफ बढ़ते हैं, कहाँ, अब यहाँ से एक्चुअली शुरू होता है, मज़ा आएगा यहाँ से, क्यों? क्योंकि तो अब बारी आ गई फेज की, आइए फेज की थोड़ी फील लेते हैं। सर ये बार 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 आप पीछे, याद है पीछे लिखा करता था, है ना, ऐसे फाई
है ना, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, है ना, ये देखो ये फाई बार बार, ये फाई, ये फाई, इस फाई को कहते हैं फेज, पढ़ाया था मैंने, इस फाई को क्या कहते हैं, फेज पढ़ाया था, देखो यहाँ लिखा है कब मैंने, इस फाई को कहते हैं फेज। अब इसी फेज पर बात करेंगे, सर ये फाई का क्या रोल है, क्या है ये फेज, बार बार आप फेज बोलते देते हो और ये फेज की फील नहीं आती है तो फिर मजा नहीं आता है, क्यों, क्योंकि दिक्कत होती है बच्चों को, ठीक है। मैं तुमसे कहता हूँ सिंपल एस एच एम का इक्वेशन बताओ, सिंपल सा, एस एच एम नहीं मतलब एस एच डब्ल्यू, बार बार एस एच एम आता है मेरे मुंह पे, सिंपल हार्मोनिक वेव का इक्वेशन बताओ, है ना, सिंपल हार्मोनिक वेव का इक्वेशन बताओ। तो हमने पढ़ा है सर सिंपली सिंपल हार्मोनिक वेव का इक्वेशन क्या हो सकता है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हाँ ये भी होता है जनरल इक्वेशन, वाई इज इक्वल्स टू, जनरल तो खैर यही होता है, याद रख लो, ए साइन ओमेगा टी, उससे हम ये बना सकते हैं, मैं तुमको बता देता हूँ कैसे। जनरल इक्वेशन क्या होता है सिंपल हार्मोनिक वेव का, पढ़ रखा है हमने ये पीछे, ये क्या होता है साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। अच्छा इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फॉर मान लो अगर मैं कह दूँ कि एक्स इक्वल्स टू जीरो वाला डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, एक्स क्या था, एक्स था डिस्प्लेसमेंट, कि आपका लेट्स से एक्स इक्वल्स टू जीरो से किसी टाइम टी नॉट पे जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वही तो एक्स होता था। अब मैं कह दूँ फॉर एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो क्या मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, वाई इक्वल्स टू ए, अभी एक्स इक्वल्स टू जीरो तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ओमेगा टी प्लस फाइव। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ माइनस लिखा, यहाँ माइनस को नहीं लिखा, तो भैया ये माइनस साइन तो बताता है था डायरेक्शन ना, ये तो डायरेक्शन बताता है, तो लिखे से ना लिखे क्या फर्क पड़ता है, माइनस लिख देंगे मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगर मैं जनरल फॉर्म लिखने जाऊं तो क्या मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे एक्स की जगह जीरो पुट कर दीजिए, एक्स इक्वल टू जीरो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट वाला क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट वाला डिस्प्लेसमेंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेट्स से जीरो था, ये वाला पॉइंट से शुरुआत हुई तो इसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, इसलिए एक्स इक्वल टू जीरो ले लिया मैंने, एक्स को जीरो ले लिया तो के एक्स वाला टर्म पूरा जीरो हो गया, लिखना चाहिए था माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, बट माइनस का मतलब क्या है डायरेक्शन है, तो अभी हम डायरेक्शन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, लेट्स से हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते हैं जनरल इक्वेशन। ये जो फाई है ना बच्चा, इस फाई को ही कहते हैं फेज, और इसी के हम अभी थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, फील लेंगे, ठीक है, और फेज भी ड्रॉ भी करेंगे कैसे, इसको कहते हैं फेज, ये क्या होता है, फेज होता है। अब सोच के देखो फेज बेसिकली क्या है ना, फेज बेसिकली आपकी पोजीशन बताता है, पोजीशन क्या बताता है, पोजीशन बताता है कि आपका जो वेव है भैया, ठीक है, वो टी इज इक्वल टू जीरो सेकेंड पर कहाँ था, स्टैंडर्ड है ये, क्या स्टैंडर्ड है कि टाइम की वैल्यू को जीरो सेकेंड पुट करिए किसी भी एक्सप्रेशन में तो आपको वेव की पोजीशन मिल जाएगी, कि किस पोजीशन पे वो वेव है, उसी को बेसिकली फेज कहा जाता है, कि किस फेज में है वो वेव, किस फेज में है का मतलब किस पोजीशन से वेव शुरू हुआ है, और इसका कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, कैसे चेक करेंगे सर कहाँ से शुरू हो रही है, बस सिंपली टाइम इज इक्वल्स टू जीरो पुट करिए, जहां टी है वहां आप जीरो पुट करिए। जैसे देखो ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा है, अभी जो फाइव होता है ना भैया, इसको हम रेडियंस के टर्म में लिखते हैं, रेडियन मतलब पाई हो सकता है, पाई बाई टू हो सकता है, थ्री पाई बाई फोर हो सकता है, पाई बाई फोर हो सकता है, टू पाई बाई फोर हो सकता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात, मैं ये जो फेज लिखते हैं इसको एंगल्स के फॉर्म में लिखते हैं हम, जिसको लिखा जाता है रेडियन के टर्म में। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ फाइव की कुछ कुछ वैल्यू लिख दी है, ठीक है, तो लेट्स से मैं कहता हूँ कैसे, आओ मैं अब तुमको, तुम खुद ही बताओगे मेरे साथ साथ, है ना, अब मैं देखो तुमको बताता हूँ क्या जनरल कंडीशन क्या याद रखनी है, कि टाइम की वैल्यू को जीरो पुट करना है तो हमको पता चलेगा कि वेव की पोजीशन क्या है, उसी को हम फेज कहते हैं, जो ये फाई देख रहे हो ये फाई वही है, फेज है बेसिकली, कौन कितना आगे चल रहा है, कौन सा वेव कितना किस, मान लो अगर मैं दो वेव को कंपेयर कर रहा हूँ और मैं कंपेरिजन में कह दिया कि एक का मैंने फेज कुछ और दे दिया, दूसरे का फेज मैंने कुछ और दे दिया, मैं तुमसे कह दूं कि पहले दूसरे से बताओ कि दोनों एक में क्या अंतर है, पहला दूसरे से कितना आगे चल रहा है या दूसरा पहले से कितना आगे चल रहा है, वो हम डिसाइड करेंगे किससे, फेज से। तो सिंपल सा एक लाइन, वन लाइनर याद रखो, फेज होता है बेसिकली वेव की पोजीशन, वेव की पोजीशन कहा क्या थी, कब, जब टी इक्वल्स टू जीरो सेकंड था, जब हमने टाइम की वैल्यू को जीरो पुट किया तो टाइम की वैल्यू जीरो सेकंड पे वेव कहाँ से शुरू हुई उसको फेज बताता है, फेज वाला टर्म ये उस चीज को डिटरमाइन करता है, बताता है बेसिकली, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप समझते हैं ना, मान लो मैंने तुमको एग्जाम्पल दे दिया, क्या लेट्स से मैं बोला वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस मान लो पाई बाई टू, मान लो बोल दिया कि जो फाई की वैल्यू है वो पाई बाई टू, कि मैंने बोला कि फाई को रेडियन के टर्म में लिख सकते हैं एंगल के टर्म में, मान लो बोल दिया ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ऐसा आपने इक्वेशन बहुत सारे देखे होंगे, ये बेसिकली फेज की ही बात करते हैं, इस इक्वेशन में जो पाई बाई टू लिखा होता है बेसिकली वो फेज है ना, आपने क्लास ट्वेल्व में भी एसी वेसी पढ़ा होगा, ईएमआई पढ़ा होगा, तो उसमें ये सब का यूज है ना। तो y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, दिस पाई बाई टू इज नोन एज योर फेज।
मैं तुमसे कहूँगी जरा मुझे बताओ कि टाइम टी इक्वल से 0 पे ये वेव कहाँ रही होगी, कैसे बताओगे? मैं कह दूँ वेव फॉर्म ड्रॉ करो इसका, वेव ड्रॉ करो इसका, मान लो मैं कह दूँ, तो सिंपल सा चीज़ है क्या, टी इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड आप पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में। अब सोच के देखो, जब आप टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड पुट करोगे इस एक्सप्रेशन में, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू ए साइन, ये पूरा टर्म क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, प्लस पाई बाई टू, मतलब वाई इज इक्वल्स टू ए साइन पाई बाई टू, मतलब साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, ये तो 1 होता है सर। साइन पाई बाई टू कितना होता है सर, ये तो 1 होता है। तो अगर साइन पाई बाई टू 1 होता है तो वाई की वैल्यू कितनी आई, सोच के देखो, साइन पाई बाई टू तो 1 होता है, तो इस केस में जो वाई होगा वो क्या ए के बराबर हो जाएगा? अरे सर बिल्कुल ए के बराबर हो जाएगा, वाई क्या होगा, ए के बराबर हो जाएगा। अब अच्छा, जब टाइम वैल्यू हमने 0 पुट की तो वाई की वैल्यू किसके बराबर हो गई, ए के बराबर हो, एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है, वाई की वैल्यू कितने किसके बराबर हो गई, ए के बराबर हो गई, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बराबर हो गई, ठीक है। अच्छा अब सोच के देखो, अब सोच के देखो, क्या मान लो वाई इक्वल टू ए के बराबर, ठीक है, मान लो कि मैंने क्या किया, एक वेव ले लिया, एक एक्सिस ले ली, जिसमें मैंने क्या किया, इधर वाई एक्सिस डिफाइन कर दिया, और इधर जो है ये वेव का तुम्हारा क्या किया, बेसिकली पोजीशन डिफाइन कर दिया कि इधर वेव मूव करी है, वेव का ये मूवमेंट है, मान लो वेव इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। अब सोच के देखो, अब सोच के देखो क्या बोल रहा है, वाई की वैल्यू ए, मतलब जब टाइम की वैल्यू 0 थी, ये मान लो वेव का मूवमेंट, मतलब ये आपकी टाइम एक्सिस है, यहाँ नोट कर लो, वेव की मूवमेंट का मतलब है मेरा टाइम एक्सिस है, इधर टाइम एक्सिस है। अब सोच के देखो, जब टी की वैल्यू 0 थी, तो टी की वैल्यू 0 पे वाई की वैल्यू ए है, तो मान लो कि वाई की कोई ये वैल्यू जिसको मैं ए कहता हूं, तो जब टाइम की वैल्यू 0 रही है तो वाई की वैल्यू ए के बराबर है, ए मतलब एम्पलीट्यूड होता है, तो मान लो ये कोई ए है, लेट्स से मैं यहाँ कह दूं सिंस ए इज इक्वल्स टू 1, तो आप मान लो कि वाई की वैल्यू मान लो ये 1 है, ठीक है, एम्पलीट्यूड है उसका बेसिकली मैक्सिमम। अब सोच देखो, जब टाइम वैल्यू 0 है तो वेव कहाँ है, टाइम वैल्यू 0 है तो वाई क्या है, वेव, वाई तो वेव का पोजीशन बताता है, जब टाइम की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू ए पे है, और ए 1 के बराबर है, मतलब यहाँ वेव है और वेव का शुरुआत यहाँ से हो रहा है, वेव ऐसे चल रही है। अब समझ आया सर, जब टी की वैल्यू 0 थी तो वेव की शुरुआत ऐसे हुई और वेव ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो खराब बन रहा है, आप लोग सही बना लीजिएगा इसको, ठीक है, ये है वेव की कहानी, ये है फेज की कहानी। तो फेज ने हमको बताया कि जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो वेव कहां से शुरू हुआ है, वेव शुरू हुआ है किससे, ए से, अगर ए की वैल्यू यहाँ 1 है तो मैं कह दूंगा कि वेव शुरू हुआ है 1 से, यानी 1 से वेव चलना शुरू हुई कुछ ऐसे। अच्छा अब अगर मान लो कि अगर अगर अब अगर मान लो कि वाई की जो वैल्यू है बेसिकली, ठीक है, मान लो इसके बीच जो फाई है वो क्या है, 0 है, सोच के देखो, अब मैं तुमसे कहूँ फाई जो है वो यहाँ 0 है, वेव फेज डिफरेंस मान लो 0 है, मतलब सिंपल इक्वेशन है वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, फाई 0 कर दिया तो सिंपल इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, जरा ये बताओ इसका वेव बताओ, तो सिंपली क्या करना है, चेक करिए टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड पुट करिए, जब आप इस एक्सप्रेशन में टी इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, जब टी को 0 पुट होगा तो ये पूरा टर्म क्या होगा, साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, मतलब वाई की पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मैं दो एक्सेस बना लूं, इधर है आपकी वाई वाली एक्सेस, इधर है आपका टाइम वाला एक्सेस, तो जब टाइम की वैल्यू 0 थी तब वेव की वैल्यू भी यही थी, सोच के देखो, यहाँ वाई भी 0 है, यहाँ टी भी 0 है, सोच देखो ना, ये ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पे वाई भी 0 होगा, टी भी 0 होगा, तो जब टाइम की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 0 है, मतलब इस बार जो वेव शुरू हो रही है वो सर यहाँ से हो रही है कुछ ऐसे, क्या बात है, सोच के देखो, पिछले वाले वेव में और ये वाले वेव में अंतर है, कितने का अंतर है, तो सोच के देखो, यहां तो फाई की वैल्यू 0 है, यहां तो फाई की वैल्यू पाई बाई 2 है, मतलब पाई बाई 2 फेज का डिफरेंस है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो पहली वाली वेव है और ये जो दूसरी वाली वेव है, इन दोनों में जो अंतर है जिसको कहते हैं फेज डिफरेंस, आगे और बढ़े समझाऊंगा,
जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें और बढ़िया फेज डिफरेंस समझाऊंगा, बट अभी समझ लो फेज डिफरेंस का मतलब ये है कि कौन सी वेव कितनी आगे चल रही है किसी दूसरे वेव से। कंपेयर करके देखो, जब यहाँ टाइम की वैल्यू जीरो थी तो ये वेव अभी शुरू ही कर रहा था, ये भी तो यहाँ भी वाई की वैल्यू भी जीरो थी, लेकिन यहाँ जब टाइम की वैल्यू जीरो हुई तो ये वेव चालाक निकला, ये ऑलरेडी वन पे है, ये वन से शुरू कर रहा है अपने आप को। जब पहली वेव की बात करता हूँ तो पहली वेव टाइम इक्वल्स टू जीरो पे अपने आप को वन से शुरू कर रही है, और दूसरी वेव को जब मैं देखा तो ये जब टाइम की वैल्यू जीरो थी तो ये भी अपने आप को इनिशियल ओरिजिन पॉइंट से ही शुरू कर रही है। इसका मतलब दोनों के वेव में डिफरेंस है, दोनों के फेज में डिफरेंस है। तो आई थॉट आपको फेज का एक क्लियर पिक्चर, एक क्लियर फंडा बनना शुरू हुआ होगा कि जो फेज है वो क्या बताता है। क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बनी? यहाँ जो आप फेज देख रहे हो ये बेसिकली वेव की पोजीशंस को बता रहा है कि एट टी इक्वल टू जीरो पे, ये स्टैंडर्ड है, एट टी इक्वल टू जीरो पे वेव कहाँ रही होगी, उसका पोजीशन क्या रहा होगा, और इसी से हम वेव फॉर्म भी ड्रॉ कर रहे हैं। देखो, सोच के देखो, हम खुद वेव फॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं इससे। बताइए क्या आपको एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग मिली? जल्दी से बता दो यार। अच्छा देखो, जनरली हम जो फेज है उसको रेडियन में रखते हैं, बट ये एंगल में भी हो सकता है, इसकी चिंता ना करना, ठीक है? 60 डिग्री दे सकता है, 30 डिग्री दे सकता है, 90 डिग्री दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? तो आप सिर्फ ऐसा मत रखिएगा कि सिर्फ आप ये सोच रहिए कि जो फाई होगा आपको रेडियन में गिवन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 30 डिग्री देगा, 60 डिग्री देगा तो भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है? एंगल में भी लिख सकता है, डिग्री में भी लिख सकता है वो, ठीक है? सबको क्लियर है? फटाओ जल्दी से, जल्दी से। क्या ये वेव, क्या ये फेज वाला फंडा सबको क्लियर हुआ कि जो फेज है सर बेसिकली ये क्या बता रहा है हमको, ठीक है? ये फेज की फील है, जल्दी आती नहीं है समझ किसी को, ठीक है? अच्छा, अब अभी 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 ऐसे थोड़े खत्म कर देंगे। मान लो ऐसे बहुत लोग नहीं आया हो, बहुत लोग नहीं आया हो, अब आ जाएगा, देखो कैसे। देखो, अच्छा एक चीज और याद रख लेना, क्या पहले तो कुछ स्टैंडर्ड याद रख लो। क्या स्टैंडर्ड है? एक वेव पे अलग अलग एंगल पहले देख लो। एक वेव के लिए अगर मैं अलग अलग एंगल डिफाइन करूँ तो कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, सोच के देखो। कौन कौन सा पोजीशन किस किस एंगल को बताता है वो नोट कर लेना हमेशा। देखो, एक वेव ड्रॉ कर रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है? देखो, ये वाला जो पॉइंट होता है, ठीक है, अगर मैं यहां मान लो थीटा रखूँ, थीटा मतलब एंगल की वैल्यू ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है? तो जब आप एम्पलीट्यूड पे होगे, मैक्सिमम वैल्यू पे होगे, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हमेशा किस पे होती है, याद रख लो, ये 90 डिग्री पे होता है। ये मैं एंगल तुमको बता रहा हूँ अलग अलग, ठीक है? ये 90 डिग्री है, ठीक, इसको कहते हैं 180 डिग्री, ठीक। सिमिलरली निगेटिव में अगर मैक्सिमम देखूंगा तो ये जो एंगल होता है, ये एंगल होता है 270 डिग्री, और आपस घूम के आ गया, मतलब हमने कहा कि 360 डिग्री, मतलब एक चक्कर पूरा हो गया, एक चक्कर ऐसे, एक चक्कर ऐसे, मतलब 360 डिग्री। तो ये मैं आपको पहले थोड़ी मार्किंग सिखा रहा था, ठीक है, कि एक वेब पे एंगल क्या कहाँ कहाँ डिफाइन होता है, ठीक है? देखो, प्लस ए वाला जो पॉइंट है, ये एम्पलीट्यूड है प्लस ए, वो 90 डिग्री होता है, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं माइनस ए वाला पॉइंट देखूँ, ये वाला, तो माइनस ए वाला पॉइंट किस पे होता है, 270 डिग्री पे, ठीक है? बीच में जब एक साइकिल कंप्लीट करता है तो हम कहेंगे कि 180 डिग्री उसने चल दिया, फिर अगले एक और साइकिल में 180 और चला, तो टोटल कितना हो गया, 360 हो गया। तो ये सब स्टैंडर्ड आप एक से स्टैंडर्ड के लिए याद रख सकते हो डायरेक्टली, डायरेक्टली। अब ये काम कहाँ आएगा सर, आओ मैं दिखाता हूँ। लेट्स से, अब मैं तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहले वही फेज की फील दे रहा हूँ सबका, ठीक है? कैसे, मान लो मैं कह दूँ कि ड्रॉ करो, किस क्या ड्रॉ करो, वाई इज इक्वल्स टू, अरे वाई इज इक्वल्स टू ए, अरे पेन कहाँ गया, ये रहा, हाँ ड्रॉ करो, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। अच्छा, इसी को कंफ्यूज मत होइएगा, इसी को ऐसे भी लिख सकता है, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई बाई टू का मतलब 90 डिग्री होता है, तो चाहे इसमें दे दे चाहे इसमें दे दे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। अच्छा, फेज है क्या, फेज ये है सर, 90 डिग्री, इसको फेज कहते हैं, पाई बाई टू इसको फेज कहते हैं। अच्छा, मैं कहूँ ड्रॉ करो इसको, तो सिंपल है, क्या करोगे, दो एक्सिस खींच लो पहले फटाफट से, इधर एक्सिस हो गई, इधर थीटा हो गया, मतलब बेसिकली फाई हो गया 90 डिग्री, और इधर क्या हो गया, वाई हो गया। अब सोच के देखो क्या लिखा है, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, क्या है, ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, क्या लिखा है, प्लस 90 डिग्री। अच्छा, 90 डिग्री वाला पॉइंट कौन सा, ये वाला पॉइंट है, मतलब इस बार जो वेव शुरू होगी सर,
वो ऐसे शुरू होगी। लो भैया ड्रॉ कर दिया तुमने, ये शॉर्ट ट्रिक है। अगला एग्जांपल, मान लो सर कोई कह दे ड्रॉ करो वाई, अच्छा ये क्या, ये ए है, एम्पलीट्यूड है याद रखना, इसलिए ए आगे लगा हुआ है ना, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन। मान लो कोई कह दे सर ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री ड्रॉ करके दिखा दो, अच्छा तो 180 डिग्री कहाँ है, 180 डिग्री तो सर यहाँ है, तो अगर हम इसका वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक सीधा सीधा क्या लिखा है देखो, ओमेगा टी के बाद क्या लिखा है, ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री, मतलब अगर प्लस 180 ड्रॉ करना है तो 180 डिग्री तो यहाँ होता है, मतलब इस बार जो वेव शुरू होगी सर वो ऐसे शुरू होगी। ले भैया मतलब यहाँ से ऐसे, क्योंकि 180 डिग्री वाला पॉइंट ये होता है, सिंपल यही है। अरे भैया यही है, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई, ऐसे ड्रॉ करेंगे। अच्छा ऐसे ड्रॉ करेंगे बिल्कुल। अच्छा मान लो कोई कह दे एग्जांपल के लिए, अच्छा बेटा जरा ड्रॉ करो वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 270 डिग्री ड्रॉ करो, तो सिंपल है क्या, हमने स्टैंडर्ड देख लिया क्या, 270 डिग्री सर यहाँ आता है निगेटिव वाले मैक्सिमम पे, तो इस बार वेव वेव को ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, वेव कहाँ से कहाँ चलेगी। अरे सर अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेव कहाँ से कहाँ चलेगी, ये वाले पॉइंट से, तो यहाँ समझ लो एक ऐसी लाइन खींच दो, मतलब सिंपल सा मतलब ये है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँगा एक वेव तो मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, इस बार ये आएगी वेव। क्या बात है सर, क्या बात है सर, दिस इज माइनस ए, दिस इज प्लस ए, दिस इज फाइव एंड दिस इज वाई। क्लियर क्लियर एवरीबडी। अच्छा अगर आपके तसल्ली के लिए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन, मान लो कोई कह दे ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री ड्रॉ करो, तो आप कहोगे सर 45 डिग्री तो स्टैंडर्ड में हमने ड्रॉ नहीं किया, तो सिंपल है यार, अगर यहाँ से यहाँ 90 है तो इसके बीच में तो कहीं 45 होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इसी के बीच में कहीं 45 होगा। मान लो ये पॉइंट को कहता हूँ मैं दिस इज 45 डिग्री, इसके बीच में वाले पॉइंट को क्या कहता हूँ, दिस इज 45 डिग्री, तो इस बार वेव कहाँ शुरू होगी, इस बार वेव यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से, तो अगर ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री कोई कहेगा तो लो ना भैया, लोग काहे परेशान हो रहे हो, हम ड्रॉ कर देते हैं, 45 कहाँ आ रहा है, यहाँ ये वाले पॉइंट से, तो वेव ऐसे शुरू हो जाएगी। ये लो भैया ये हुई क्लियर अंडरस्टैंडिंग वाई एंड दिस इज वाई। सो ऐसे हम डिफरेंट मल्टीपल फेजेस वाले वेव फॉर्म को ड्रॉ करते हैं। क्या आपको फेज की पूरी पूरी फील आ गई, क्या आपको फेज की पूरी पूरी फील आ गई, क्या ऐसे हम फेज को बढ़िया तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी फेज दे दे आप, सिंपली बस स्टैंडर्ड याद रखिए ऊपर वाला, और हिसाब से एंगल को मार्क कर लीजिए कि ये वाला पॉइंट 90 डिग्री होता है, ये वाला पॉइंट 180 होता है, ये वाला पॉइंट 120 270 होता है, ये वाला पॉइंट 360 होता है, और फिर उसके हिसाब जो भी दे प्लस ओमेगा टी प्लस जो भी दे वहीं से वेव को शुरू कर दीजिए, वही आपका वेव फॉर्म होगा। क्लियर इजी, ये मैंने आपको आसान भाषा में करके दे दिया कि वेव फॉर्म आप ड्रॉ कैसे कर सकते हैं जब फेज वेज गिवन हो, तो ये फेज की थी पूरी पूरी फील। अब आपको ये अंडरस्टैंडिंग इसलिए देनी थी क्योंकि इंटरफेरेंस वगैरह आगे जब आएगा तो ये फेज का बड़ा काम आएगा, है ना, इन फेज आउट ऑफ फेज ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई थॉट अब हम तैयार हैं टुवर्ड इंटरफेरेंस बढ़ने के लिए आगे इसमें, ठीक है, क्या होते हैं फिनोमेना क्या होता है सब देखेंगे हम आगे, ठीक है, फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस ए टू जेड, ठीक है। तो आई लाइक टू एंड दिस सेशन टू दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। आई थॉट एनर्जाइज तो मैं हूँ नहीं, बट एट दी एंड आते आते एनर्जी मेरी भी थोड़ी बढ़ गई, ठीक है, और हमने काफ़ी कुछ, हाँ नोट्स अपलोड कर देंगे बिल्कुल, मैं काफ़ी कुछ सीखा आज के भी लेक्चर में, ठीक है। ओके देन, सो आई लाइक टू एंड दिस सेशन टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।